तो आज से 12 साल पहले की बात है, 12 साल पहले मैं मुंबई में गया था इंजीनियरिंग करने के लिए, विजिट किया मुंबई। और उसके पहले मैं था गढ़चिरौली, बहुत ही छोटा सा शहर है, डिस्ट्रिक्ट कहते हैं लोग, पर डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी सुविधाएं उसमें नहीं है, अभी भी रेलवे नहीं है, बहुत बड़ा कुछ बाजार पेट या बोलते हैं ना मार्केट नहीं है। कहा जाता है कि नक्सलाइट्स के कारण, वहाँ पे नक्सलवादी होने के कारण, सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों के कारण वो मार्केट चल रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो ऐसे ही जगह पे मैंने मेरे जीवन के जो बेहतरीन 18 साल है मैंने वहाँ पे बिताए। तो जब वो 18 साल के दौरान मुझको, देखो मेरा बैकग्राउंड भी काफ़ी सादा है, मॉम डैड जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, वहाँ से डैड का सिलेक्शन एज अ ड्राइवर हो गया, और ड्राइवर बनने के बाद डैड का थोड़ा इनकम अच्छा हुआ, तो हमारा खाने पीने का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ, लेकिन फिर भी इतना इनकम नहीं था कि हम कहीं भी पैसा सेव कर पाए, तो सेविंग के जितना तो पैसा नहीं था, लेकिन हाँ डैड ने मैनेज किया और समहाउ वी सर्वाइव। मतलब कभी कभी तो ऐसा था कि कपड़े हमने कभी भी अपने साइज़ के नहीं पहने, क्योंकि मॉम डैड ने कभी देखा नहीं था कि उन्होंने खुद के लिए कभी नए कपड़े नहीं लिए, तो उनको ये पता ही नहीं था कि नए कपड़े कैसे लेना चाहिए। मतलब मुझको याद है कि मैंने कई बार शर्ट या पैंट लिया, तो अभी जो हम लोग एक्सेल एल या मीडियम ऐसा बात करते उस तरह का बातचीत नहीं होता था, वहाँ पे जाते थे शर्ट देखा जाता था और ख़रीदा जाता था, बाद में पता चलता था कि उस शर्ट में मेरे जैसे और 3 बच्चे आ जाएंगे, मैं बड़ा स्किनी भी था, बहुत पतला भी था, तो पैंट का भी सेम इशू था, पैंट में फिर हम लोग वो जो पिन है वो लगाते थे ताकि पैंट पहन पाए, तो बड़ा पैंट बड़ा शर्ट बड़ा शूज़ ताकि वो ज़्यादा दिन चलना चाहिए, इस हिसाब से लिया जाता था। तो कभी भी ये सुख नहीं मिला कि कोई अच्छा कपड़ा पहना है, और ज़्यादातर ड्रेसेस नॉर्मल रहती थी, तो अच्छे फंक्शन में जाने के लिए 2 सेपरेट ड्रेस लेकर रखते कि इसको हम लोग अभी भी अच्छे फंक्शन में पहनेंगे। और तो ऐसे ज़िंदगी था, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, ज़्यादा नॉलेज नहीं था, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था। ऐसे समय पे मैं जब मैं मुंबई में गया, तो मुंबई में मुझको पहली बार देखा मैंने कि कितना सारा इन्फॉर्मेशन या कितना सारा इंटेलिजेंस लोगों में रहता है, लोगों को पता रहता है। और उस समय पे मुझको ऐसा लगा कि काश काश मैं भी इन लोगों की तरह अवेयर रहता, इन लोगों की तरह होशियार रहता, इन लोगों की तरह इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी रहता। और जो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स वो इतना बड़ा था मुझ में बचपन से लेके अब तक, पहले तो पैसे नहीं थे, फिर मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ ये मेरे मन में भराया गया था, तो मुझको ऐसा लगता था कि मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मुझको ऐसा लगता था कि मैं होशियार नहीं हूँ, मुझको ऐसा लगता था कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो बहुत शेकी कॉन्फिडेंस रहता था। मैंने किसी पब्लिक के सामने कभी ज़्यादा बात नहीं की थी, कभी भी किसी भी फंक्शन में सामने में खड़ा नहीं था, कभी मैंने डांस परफॉर्मेंस उतने नहीं किए, जबकि मुझको डांस बहुत पसंद आता था, लेकिन पब्लिक के सामने नहीं किया। तो इतना सारा इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लेके मैं मुंबई में था, और उस समय पे जब मैंने ये सब जाना कि इतना ज़्यादा लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है और इंटेलिजेंस है, तो मैंने ये विश मांगी काश काश मैं भी इन लोगों की तरह इंटेलिजेंट या इन लोगों की तरह होशियार बन पाऊँ। तब ग्राफोलॉजी मेरी लाइफ में आया, और 2006 में ग्राफोलॉजी मेरी लाइफ में आया, और उस समय से जब मैंने ग्राफोलॉजी में हैंडराइटिंग एनालिसिस सीखा, और हैंडराइटिंग एनालिसिस में मैंने खुद का हैंडराइटिंग देखा, तो मुझको पता चला कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिसके कारण मैं ऐसा बना हूँ या जिस कारण मैं ऐसा हूँ। तो उस समय पे मैंने फिर कुछ हैंडराइटिंग में बदलाव की, जिसके कारण मुझमें निरपण आ गया, रिस्ट की एबिलिटी आ गई, लीडरशिप क्वालिटीज आ गई, और फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में मैं थोड़ा बेहतर बन गया। एट टाइम्स एटलीस्ट लोग अभी मेरे से रिलेशनशिप रख पाते, अगर मैं नहीं रख रहा हूँ तो उस लेवल तक मैं कंफर्ट में आ गया। और एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो भी चीज़ें लगती वो सब मैंने मेरे हैंडराइटिंग में डाली, तो मैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन पाया। तो जब मैंने देखा कि मैं खुद में इतना बदलाव ला सकता हूँ हैंडराइटिंग एनालिसिस और ग्राफोलॉजी के जरिए, तो मेरे मन में ये इच्छा थी कि क्यों ना मैं मेरे जैसे लोग जो अभी भी इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं, अभी भी जो अपनी काबिलियत के जैसा काम नहीं कर पा रहे, क्यों ना मैं उन लोगों के पास जाऊँ, उनको मैं उनका ट्रू पोटेंशियल पता करके दूँ, उनका पूरा लाइफ चेंज करके दूँ। तो ये सोच के साथ मैंने ग्राफोलॉजी सिखाना चालू किया, ये सोच के साथ मैं आज ग्राफोलॉजी सिखाता हूँ कि जो कोई भी इंसान 1 लाख कमाता है उसका 10 लाख कमाने का काबिलियत होता है,
पर वो 10 लाख नहीं कमा पाता बिकॉज उसको ये बताने वाला कोई नहीं होता कि तू भी इतना पैसा कमा सकता है, या जो भी इंसान जो भी आज के मोमेंट में काम कर रहा है उससे वो 10 गुना ज़्यादा काम कर सकता है, 10 गुना ज़्यादा पैसा कमा सकता है, लेकिन वो करता नहीं क्योंकि उसने खुद की पोटेंशियल को कम आंका हुआ है, उसके खुद के कई सारे लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, लिमिटिंग पैरामीटर्स हैं। तो उन सब को मिटाने के लिए और उन सब से उस आदमी को परे लेके जाने के लिए मैंने ये ग्राफोलॉजी का जरिया चालू किया। तो आज की डेट पे अगर आपको भी अपनी लाइफ चेंज करनी है और आप मेरे स्टोरी से थोड़ा भी रिलेट करते हो, आपको लगता है कि आपको भी इंटेलिजेंट बनना है, आपको भी रिस्क टेकिंग बनना है, आपको भी लीडर बनना है, तो मेरा एक कोर्स है जहाँ पे मैं ये सिग्नेचर मास्टरी का कोर्स है जहाँ पे मैं ये सब चीज़ें सिखाने वाला हूँ जो मैंने मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके मुझको जो रिजल्ट्स आए वो रिजल्ट्स मैं आपको देने की इच्छा रखता हूँ। तो डोंट मिस दिस चांस टू लर्न दिस। और आप मेरा बैकग्राउंड देखिए तो आपको पता चलेगा कि मेरा ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा पैमाने पर बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरे पूरे फैमिली में जिस समय पर हमने टू व्हीलर लिया किसी और के पास टू व्हीलर नहीं था, तो आज की डेट पर किसी के पास फोर व्हीलर भी नहीं है, तो मेरे पास फोर व्हीलर है। और ऐसे फोर व्हीलर लेना इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है, फिर भी हमारे फैमिली में से तो उस छोटे से शहर में से छोटे से गांव में से छोटा सा व्यक्ति अगर ये सब अचीव कर सकता है ग्राफोलॉजी के जरिए, तो आप भी कर सकते हो। ये मैसेज ये संदेश मेरे को आपको देना था। तो मेरा ये कोर्स है, आप सिग्नेचर मास्टरी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए और उसमें सीखिए खुद के बारे में और खुद का लाइफ चेंज कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टिल नाउ। गॉड ब्लेस यू ऑल।